प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जो कि बात करेंगी नागरिकता कानून, यानी जो हमारे देश में सीए लागू हुआ है उस पर वो अपनी रखेंगी पर्सनल राय, और आप जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, वो हमारे जर्नलिस्ट हैं, आप कौन खा मखा बस समझिए कि वो जो जर्नलिस्ट हैं, अरे यार आप हंस रही हो, मैं तो बता रहा हूँ कौन है आप खा मखा आ जाते बीच में। सुनिए, अच्छा वो लोग भी अपोज कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये बात समझिए कि इस बिल में ऐसा कुछ है क्या। अच्छा एक चीज और, कि हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ, मियां खलीफा ट्वीट कर रहे हैं, उनको क्या लेना देना, उन्होंने कब खेती की मुझे नहीं पता, और ऊपर से साथ में ग्रेटा थनबर्ग कर, और भाई साहब आई वाज अमेज्ड कि कौन कौन बेयोंस वगैरह कौन कौन लग गए थे उसमें। ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी ऐसे ही कुछ तरीके से रिएक्ट करते हैं। अच्छा ये चीज क्या मतलब, एक एक एजेंडा है कि हम लोग इंडिया के खिलाफ ही बोलेंगे ना, मतलब वो आ गए किसान आ गए तो भी हम प्रोग्राम से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ये सीए क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर कोई रिएक्ट करने के मूड में, अभी तक तो कुछ बोली नहीं है। क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ लेना देना नहीं है, एक ये ऐसे सोटी दे दी बेटा बोलते रहो अभी तक तो कुछ नहीं बोला है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, लेकिन बोलेगी जरूर। अभी वो अपने आप में लगे हुए, उन्होंने अपनी जो है वो कैबिनेट बना ली है, उसके बाद कई लोग कह रहे हैं हम तो सैलरी नहीं ले रहे, अजीब अजीब बातें चल रही हैं। तो अभी हमारे अपने पास ही काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट है कि हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन जैसे ही एंटरटेनमेंट खत्म होगी डेफिनेटली इंडिया के इस बात के ऊपर रिएक्शन जाएगा, स्टेटमेंट भी जाएगी, और क्योंकि भारत में कुछ भी हो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट तो जाता है। तो मुझे यही लग रहा है कि कुछ टाइम आप बस इंतजार कर लें, जैसे ही ये लोग फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा सेट हो जाएंगे कि हाँ ठीक है ये कैबिनेट बन गई है, उसके बाद जरूर स्टेटमेंट जाएगा। फिलहाल के लिए जो जर्नलिस्ट हैं वही जो है कुछ ना कुछ बोलते चले जा रहे हैं, और वो भी ऐसी चीज के ऊपर जो कि नेगेटिव मुझे नहीं लगती, आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं लगती। अब वही वाली बात है कि फिर लोग मुझे शुरू हो जाएंगे ट्रोल करना और मुझे पता नहीं क्या क्या बोलना, लेकिन मुझे नेगेटिव नहीं लगती है ये लॉ, मुझे नेगेटिव नहीं लगता। ये बात समझिए कि ट्रोल आपको किया जा रहा है, तो ये भी तो लोगों का प्यार है आपके लिए, तो ये भी होता है भाई अपने प्यार आप ले लीजिए, वो वाला ट्रोल वाला प्यार आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हाँ लोग बगैर सोचे समझे मतलब शुरू हो जाते हैं बोलना, हालांकि यही बात जो मैं इस वक्त भी कर रही हूँ कि बिल्कुल मुझे ये लॉ नेगेटिव नहीं लगता, मुझे ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं लगता, मतलब इसमें मुस्लिम्स का कोई लेना देना ही नहीं है यार, मतलब क्या बात कर रहे हैं लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर से मुस्लिम्स कहाँ से निकल आए। अगर वो कह रहे हैं कि जी कोई बुद्धिस्ट हो, कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, या किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग, अगर वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में रहते हैं और वहां पे उनको प्रॉब्लम है, उनके साथ सही सलूक नहीं हो रहा, तो वो भारत आ सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं भारत सिटीजनशिप के लिए। इसमें मुस्लिम्स का क्या लेना देना आ गया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी वो मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं है, क्या मतलब है मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं है, तो वो टू नेशन थ्योरी का क्या हुआ भाई, वो जो टू नेशन थ्योरी का जो चूरन खिलाया गया था, अगर मुस्लिम्स के लिए भी कर देंगे तो यहाँ से तो सबके बैग पैक हो जाएंगे और सब वहां पहुंच जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग। तो वो क्योंकि यहाँ तो पब्लिक को बस छेड़ने की देर है, यहाँ पे जो हालत है अगर किसी को मौका लगा तो वो डेफिनेटली पहुंच जाएगा, लेकिन वही वाली बात है कि लोग बगैर उसको अंडरस्टैंड किए बात कर रहे हैं। राइट, पाकिस्तान से जिंदा भाग वो वाली कहानी हमने सुनी भी थी। अच्छा ये एक चीज और थी कि ये भी बोला जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि भाई ये आएंगे ये हमारी जॉब्स लेंगे। यार इतने सारे रोहिंग्या, इतने सारे बांग्लादेशी इलीगल रह रहे हैं, तब तो ये सालों ने, ये जितने भी सारे लोग हैं इन सालों ने कुछ नहीं बोला था। अच्छा एक चीज और कि ये बोल रहे हैं कि हमारी जॉब ले लेंगे, तो क्या रोहिंग्या अपने साथ 10 किलो सोना साथ लेके आए थे कि उसे बेच के खा रहे हैं, वो भी तो यही कमा के खा रहे हैं ना, तो क्या उसने किसी की जॉब नहीं ली इंडियन की। ये चीजें भी देखने की है। और फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा कि क्या मतलब पब्लिक ओपिनियन, मेरे को पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट का फोन आया था, अब मैं उनका नाम ले ही लेता हूँ, उनका नाम है आफताब मुगारी,
वो वहां पे धरती टीवी के थे और आजकल भी वो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे बोला था, आज की बात नहीं, थोड़ा टाइम पहले की बात, कि ये प्रोसिक्यूटेड में तो अहमदी भी हैं और शिया भी हैं, उनको भी लीजिए आप। फिर मैंने कहा भाई अगर ऐसे ही करेंगे तो पूरा पाकिस्तान यहाँ होगा, मैं मुझे लाहौर में मकान खरीदना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन, ये सारी चीजें क्या मतलब पाकिस्तान में एक मिस इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, ये जर्नलिस्ट तक को नहीं पता है। एक चीज, क्या सीए के लिए कभी सपोर्ट बन पाएगा? मतलब कभी ऐसा होगा कि न्यूट्रल, ठीक है यार तुम्हारे घर का मामला करो, हमें क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं होगा, सपोर्ट कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान से कोई सपोर्ट मिलेगी या पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान जाहिर है कि इंडिया के किसी या भारत के किसी भी काम में इस तरह की सपोर्ट नहीं देगा। एक तरफ तो आप हमें मतलब हमें हम हो गए या दूसरी कंट्रीज जिधर से आप लोग ऑफर कर रहे हैं कि लोग आ सकते हैं आपकी कंट्रीज में, आप हमारे सर वैसे ही झुका रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोग यहाँ से जाएंगे तो इस बात का प्रूफ होगा कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या जहाँ पे भी वो लोग आराम से नहीं है, उनकी जान को खतरा है, उनकी बेटियों को खतरा है या उनके माल को खतरा है, कुछ ना कुछ उनके साथ गलत है। ये बात वो साबित कर देंगे जो लोग यहाँ से जाएंगे कि जी हम पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ, वो कहेंगे जी हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हमें जी ये प्रॉब्लम है, हमें जी वो प्रॉब्लम है, हमारी बच्चियां उठा के ले जाते हैं, हमारी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, हमें मार डालते हैं, हमें ये वो दस तरह की चीजें जो है वो लोग जाहिर है बोलेंगे और तभी वो फिर भारत में दाखिल होंगे। तो इससे एज अ पाकिस्तानी यकीनन मुझे शर्म आएगी, मेरा सर शर्म से झुक जाएगा, मैं बहुत एम्बेरस फील करूंगी। तो अगर मैं एक आम सिटीजन होके अगर मैं इतनी एम्बेरसमेंट फील करूंगी तो आपके ख्याल से क्या गवर्नमेंट फील नहीं करेगी? गवर्नमेंट को भी शर्म तो खैर आनी चाहिए, अब ना आए तो अलग बात है, लेकिन इसलिए गवर्नमेंट कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि अभी बहुत से लोग, खास तौर पर हिंदू फैमिलीज और सिख फैमिलीज जो है, वो यकीनन कांटेक्ट करेंगी और वो भारत जाने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं और वो जाना चाहते हैं, और उनको यकीनन कोई कोई उनको एक एक चांस मिला है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकें, अपनी इबादत जो है वो अपनी मर्जी से कर सकें, जो उनको पाकिस्तान में वो सारी फैसिलिटीज बकौल उनके या उनको नहीं मिल रही है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपका ख्याल है कि इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में क्या कहेगी? हाँ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और हम इन लोगों को तंग कर रहे हैं, तो अच्छा हुआ आप ले गए। ये थोड़ी होता है सर, मुझे ना तो ये चाहिए कि हम सुधर जाएं, हमें थोड़ी शर्म आए और हम अपने माहौल या एटमोसफेयर ऐसा बनाएं कि हमारे जो माइनॉरिटीज रहती हैं वो कहें कि नहीं हमें पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान में परेशान नहीं है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जाहिर है जो रियलिटी है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो लोग यहाँ से निकलेंगे, लोग जाएंगे और उसके बाद आपका ख्याल है कि मतलब हम हमारे ऊपर एक जो एलिगेशन है वो साबित भी हो जाएगा और उसके बाद हम कहेंगे, हमारी गवर्नमेंट कहेगी हाँ हाँ जी बहुत अच्छा किया आपने, आपने तो मतलब बैठे बैठे हम लोगों को सब सबको जो है एकदम से एक्सपोज कर दिया है, ये बात हो जाएगी। मुझे एक चीज का अफसोस तो जरूर रहेगा कि आप पाकिस्तान चले गए, वरना यहाँ पर शाहीन बाग में बिरयानी खाते हुए आपकी बाइट लेने का जो मजा होता है ना, वो अलग ही होता है। अच्छा एक चीज और, एक मेरे एक और दोस्त है, वो पाकिस्तान से ही, उनसे भी बात हुई, वो भी बोले थे यार अब तो पाकिस्तान को भी एक बिल निकालना चाहिए कि इंडिया में जितने प्रोसिक्यूटेड है ना मुस्लिम्स, वो सारे के सारे पाकिस्तान आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता, इसलिए कि पाकिस्तान इतना बड़ा बड़ी कंट्री नहीं है। जितने आपके पास मुस्लिम्स हैं, मतलब पाकिस्तान में जितने मुस्लिम्स हैं उससे ज्यादा तो आप क्या रहते हैं, हमारे यहाँ ना स्पेस है और जो अभी रह रहे हैं ना उनके पास जॉब्स है ना कुछ है। और फिर ये वाले, ये जो रोड पे बैठ के नमाज शुरू कर देते हैं, इनको आप यहाँ भेज देंगे? हमारे वाले तो अभी हमारे वाले अभी इतने बावले नहीं हुए, तो हमारे वाले तो अभी नमाज को नमाज की जगह पे ही पढ़ते हैं, उनको पता है कि साफ सुथरी जगह पे बैठना है और कहाँ पे नमाज पढ़नी है। आपके वाले आ गए ना तो बस फिर तो हमारी रोड्स भी जो है ना ब्लॉक हुई होंगी, और हमारे यहाँ भी पुलिस वाले जो है ना लाठी डंडे और लातों से उनको उठा रहे होंगे, फिर उस बेचारे को पकड़ के बंद भी कर दिया जाएगा कि ये क्या कर रहे थे तुम यूनिफॉर्म में। तो वो वाली सिचुएशन हम नहीं चाहते। आप यहाँ से हम कोई ऐसा वैसा बिल नहीं लेकर आ रहे, हम ऐसे ही रहेंगे और आप लोग जो आपके पास लोग रह गए 47 में उनको रखिए और कोशिश कीजिए कि मतलब उनको थोड़ी ऊपर वाला अक्ल दे। वैसे तो सब एक जैसे नहीं होंगे आई एम श्योर, लेकिन फिर भी जो है वो मिलजुल कर रहे हैं और हमारे हमारे ऊपर रहम करें। हम पहले ही बड़े तंग हैं अपने अपने आप से भी और अपने साथ के लोगों से भी।
और खास कर वो खामा खा वाली बात भी ना, कि वो भी मैं कर दूं कि खामा खा, उसमें वैसे मुझे बड़ा मजा आया और मैंने बड़ा एंजॉय किया उस ट्वीट को, और वैसे वो जर्नलिस्ट आपकी मुझे बड़ी पसंद है और बहुत अच्छा वो काम करती हैं, लेकिन ये कि वो उन्होंने मुझे भी कह दिया खामा खान, तो बस फिर मैंने कहा शायद उन्होंने मेरा नाम नहीं सुना, मैं वैसे शाहरुख खान की अमिताभ बच्चन की बड़ी फैन हूँ, तो मैंने भी वहाँ डायलॉग ही लगा दिया था जो आप जानते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी की मजेदार बातें और उनका इंटरेस्टिंग अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आरजू काजमी जी ने अपनी पर्सनल राय आप सबके सामने रखी। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि आरजू काजमी बींग अ पाकिस्तानी उनको समझ में आ गया कि नागरिकता कानून यानी सीए क्या है, उसमें किसका फायदा है किसका नुकसान है, पर भारत में रह रहे कुछ जिहादी कुछ शांतिदूत ऐसे हैं जिनको आज तक सीए का समझ नहीं आई और आज भी वो सीए कानून को लेके विरोध कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।